हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना सरस्वत। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो मैं आज आपसे मिलवाने जा रही हूँ अपनी प्यारी सी स्वीट सी गार्गी को। ये देखिए क्यूट सी गार्गी मेरे ऊपर क्या कर रही है। ये इसकी फेवरेट जगह है। गार्गी की बॉल कौन लेके जाएगा? गार्गी की बॉल कौन लेके जा? गाइस ये देखिए, इस लड़की की ना ये फेवरेट जगह है। इस मेरी प्यारी सी डॉल है ना, ये देखिए गाइस, ये है मेरी प्यारी सी डॉल। ये है गार्गी जो मुझे इतने ध्यान से देख रही है। ये मुझे इतने ध्यान से देख रही है और ये पता नहीं क्या खा रही है। मेरी मम्मा बोलती, मैं बहुत सुनी थी ये मुँह में उंगली डालती तो मैं रोकती थी। इसके लिए मैंने कुछ टीथर्स वगैरह मंगाए हैं, बट ये उनको नहीं डालती। इसको उंगली डालना अच्छा लगता है। और ये देखो ये देखो ये देखो ये क्या कर क्या रही है मेरे ऊपर। अभी पूरा चढ़ना चाहती है मेरे ऊपर और फिर मेरे गाल पे आना चाहती है, जो उसको बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली गाइज, मैंने सोचा एक मैं व्लॉग बना लेती हूँ, बिकॉज दो दिन बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं। मेरे हस्बैंड का एक है कुछ काम है, तो वो 6 महीने के लिए यहाँ से बाहर जाएंगे, तो हम भी जा रहे हैं यहाँ से। पहले हम अपने इन लॉज के घर जाएंगे, बिकॉज गार्गी कोरोना की वजह से अपने दादी के घर नहीं गई है। और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के घर जाऊँगी, बिकॉज मैंने दिसंबर से अब तक वहाँ विजिट नहीं किया है अपने मॉम डैड के घर पर, बिकॉज पहले प्रेगनेंसी की वजह से नहीं जा पाई और फिर ये कोरोना। ये देखो इसको देखो इसको देखो, ये कर कर क्या रही है कि देखो ये ना मेरे साथ ऐसे ही करती है। और अब ये ना अभी रात के 11:15 बज रहे हैं और ये काम हमारा सुबह 5 बजे तक चलेगा और फिर ये सुबह 5 बजे ही सोएगी और दिन के 12 बजे तक सोएगी। बट मम्मा तो नहीं सो सकती है ना, मम्मा के पास तो और भी काम होता है, बट ये तो ऐसा ही करती है और अपने खिलौनों को फेंक देती है। ये इसका खिलौना है, इसको नहीं पकड़ेगी, पकड़ो ए आओ। ये मैंने फर्स्ट प्राइज से लिया था इसके लिए और ये इसकी रोली पोली शीप है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट क्राई। आज इसकी वजह से इसको लग गई थी, इसको पसंद नहीं कर रही है, इसको फेंक दे रही है। और अभी इसने मेरे पास सुसु कर दिया, तो अभी मैंने इसको डायपर पहना दिया है। मैं कपड़े वाला डायपर यूज करना पसंद करती हूँ। दिस इज फ्रॉम सुपर बॉटम्स और मैं वो पैम्पर वगैरह सिर्फ रास्ते में यूज करती हूँ। जब हम कहीं जाते हैं तो उसे फायदा ये होता है कि रास्ते में हम इसको निकाल के धुल नहीं सकते ना, तो पैम्पर्स वगैरह हम रास्ते में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं रास्ते में वो सब यूज करती हूँ। और घर में मैं इसको दिन में तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको डायपर फ्री रखती हूँ और ये रात में मैं इसको पहना देती हूँ। ये देखो 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 ये अपनी रोली थी, देखो रोली पोली शीप। आज इसकी दुश्मनी हो गई है इस रोली पोली शीप के साथ, क्योंकि इसकी वजह से इसको चोट लग गई थी। ये देखो कैसे पकड़ के मार रही है इसको। तो गाइस ये हमारा चलेगा सुबह 5 बजे तक ये कार्यक्रम, और सुबह 5 बजे हम सोते हैं। जब सबकी गुड मॉर्निंग होती है तब हमारी गुड नाइट होती है। तो मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक खेलने देते हैं गार्गी को। देखो 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 ये देखिए जाने के लिए क्या सब कुछ खुला पड़ा है। ये तो मेरे हस्बैंड का है इतना सब कुछ, ये और दो हमारे बैग्स हैं, टोटल हमारे 3 बैग्स हैं। हस्बैंड का तो आपने ये देख ही लिया है। तो जा रहे हैं हम, 6 महीने बाद आएंगे तो देखते हैं। इसलिए मैंने सोचा एक व्लॉग तो मुझे शूट कर लेना चाहिए, तो मैं आज वही कर रही हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये है खाने में पनीर के पराठे और दही, चीनी वाला दही मैं खाना पसंद करती हूँ। मेरी मॉम बोलती है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में दही लिया है। पनीर के पराठे हैं, मतलब काफ़ी देर पहले बने थे और मैं खा नहीं पाई थी, बिकॉज मैंने पहले पकौड़े खा लिए थे। आज पकौड़े भी बनवाए थे मैंने, तो वो मैंने पहले खा लिए थे, तो अभी मैं पराठे खा रही हूँ। और
11 बजे खा रही हूँ मैं, 11 नहीं 11:30 हो गया है। 11 तो तब हो रहा था जब मैं आपको पहले पे देख रही थी। गाइस अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:38, 2:38, और ये देखो ये अभी तक जगी हुई है, इसका सोने का कोई नाम निशान नहीं लग रहा। ये देखो पता लग रहा है ना, और देखो आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ टाइम, तो मैं आपको बैक कैमरे से टाइम दिखाती हूँ। देखिए 2:39 हो रही हैं और 9 जुलाई, तो देखो फोन में आ रही है, दूसरे फोन में आ गई। नौ जुलाई 3:23। सब्जी तो मैंने प्लेट में डाल ली है, रायता, इसमें रोटियां हैं, इसमें टमाटर कटा हुआ है, प्याज, अभी मैंने उनको बोला था कि दीदी काटना नहीं पानी में छोड़ देना, तो अभी ये खाने में है। और इस गार्गी की गुड मॉर्निंग हो गई है दिन के 1:50 पर। गर्दन सीधी कर लो। हे गाइस, कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई बिल्कुल भी पूरा दिन, बिकॉज गार्गी तो लेट सोई थी, फिर सुबह हम उठे, मैंने आपको वो तो दिखाई दिया था खाना वाना खाया, लेकिन फिर हस्बैंड आ गए थे, फिर उनके साथ पूरा बातों में टाइम निकल गया और इसलिए मैं कल आपसे बात नहीं कर पाई। और आज हम निकल रहे हैं, बीच में एक जा रहे हैं हम, पहले इन लॉज के घर जाएंगे, लेकिन बीच में मैं हॉल्ट लूंगी थोड़ी देर, मैं अपने पेरेंट्स के घर रुकूंगी, फिर हम अपने इन लॉज के यहाँ जाएंगे। तो आज मैं आपकी पूरी आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगी, ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग होने वाला है, इस लॉकडाउन में कोई ट्रैवलिंग तो ही नहीं है, बट अभी ये जाना हमारी मजबूरी है, बिकॉज मेरे हस्बैंड 6 मंथ्स के लिए इसके बाद चले जाएंगे, और मैं 6 महीने तक यहाँ अकेले नहीं रह सकती, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं। कैसे सारा फैला पड़ा है ना, ऐसे सबके साथ होता होगा ना, ऐसे सब जाते होंगे तो पूरा ऐसे फैला पड़ा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार 6 महीने बाद वापस भी आना है तो क्या छोड़े हैं क्या ना छोड़े हैं, है ना, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो कर रही हूँ मैं अभी पैक, ट्राईपोर्ड नहीं होना, फटाफट आपको दिखाती। कोई नहीं, मैं थोड़ा निकलेंगे, यूपी में लॉकडाउन और चल रहा है। गाइस हम निकल गए अपने घर से और जा रहे हैं, बीच में एक हॉल्ट चंडीगढ़ पर लेंगे, और ये देखो हमने गाड़ी ऐसे ठूंस ठूंस के भरी है, क्या तो ठूंस ठूंस के गाड़ी भरी है, पीछे डिग्गी भी भरी हुई है, ऐसे ठूंस ठूंस के सब ले लिया हमने। और ये गार्गी रोज तो सोती रहती है, आज नहीं सो रही। मैंने तो बाल भी कंघे नहीं किए, जल्दी सामान रखो, ये रखो वो रखो। तो गाइज हम एंटर कर चुके हैं पटियाला में, पटियाला के महाराजाओं के बारे में बड़ा सुना है,
और मेनली फेमस क्या है पटियाला का, पटियाला पैग, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो गाइज अब हम आ गए हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बहुत तेज बारिश हो रही है, गार्गी के चाचू गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गार्गी के पापा बैठे हुए हैं और बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। सब कुछ नया नया दिख रहा है इधर, तो कमरे जैसे तो कमरा है ही नहीं, कमरे में तो कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ, कमरे में तो एक एसी था, चलता रहता था सारा दिन। दिने रात के 11:30 बहुत दिन आया यहाँ पे और हम कहाँ हैं, दिल्ली के अंदर, और पापा भूल गए नोएडा एक्सप्रेस वे का रास्ता, और पापा के पेट में कूद रहे हैं चूहे। गाइस ये बज गए हैं 2:00 और हम एंटर कर रहे हैं मथुरा में, गार्गी का पहला सफर और निहायत ही लंबा सफर। सामने पुलिस वाले खड़े हैं, खुद मास्क नहीं पहने, दूसरों को क्या बोलेंगे। मम्मा है तेरी ये मम्मा। ये रात के 2:30 मथुरा की भैंसें, तीन बजे हम हैं मथुरा में और गार्गी की नानी गार्गी को पोटी कराने की कोशिश कर रही है, और गार्गी इतनी बदतमीज बच्ची है ये करने को राजी नहीं हो रही है। लाइट थोड़ी कम है क्योंकि ऐसा कुछ ब्लॉगिंग के हिसाब से मैं लाइट तो लगवा नहीं रखी है, यहाँ नॉर्मल लाइट है। और इनका देखो ये क्या कर रहे हैं। ए गार्गी गार्गी की नानी कह रही है गार्गी मोटी नहीं हुई, गार्गी के नाना गार्गी को खिला रहे हैं। अरे गार्गी, अरे ब्रजवास या घेवर, अरे रे स्पेशल मलाई घेवर। ये सुबह के 5:00 हम मथुरा से निकल रहे हैं। ये अनलेश गाय भगा रहे हैं, वो मथुरा में तो गाय फेमस है। और ये भैंस हैं, ये आंटी जी खड़ी हैं भैंसों के साथ। हेलो गाइस, चर्च देख लो।